हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में, या फिर हम इसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन, कि कौन कौन से पैटर्न से, कौन कौन से मोड से एक्सक्रीशन हो सकती है। लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं मेन नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, डिफरेंट हमने नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे कि जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनके बेसिस पे जो अलग अलग मोड होते हैं एक्सक्रीशन के, वो क्या क्या होते हैं। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट के बेस के ऊपर थ्री मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन प्रेजेंट होते हैं, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक के अंदर क्या होगा, अमोनिया एज मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, यूरियोटैलिक के अंदर यूरिया होगा एंड यूरिकोटैलिक के अंदर यूरिक एसिड होगा। लास्ट वीडियो में हम ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे कि अमोनोटैलिक और अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिज्म, ये क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे जो इनके अंदर किस में अक्कर होते हैं, ये क्या टॉक्सिसिटी होती है, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है अमोनोटैलिज्म, नाम से ही पता चल रहा है अमोनोटैलिज्म, यानी कि इनके अंदर क्या होगा, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, अमोनिया होगा। ऐसी बात नहीं है कि इनके अंदर और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट की। तो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया होगा। और इस इन ऑर्गेनिजम्स को अमोनोटैलिक एनिमल्स बोला जाता है, या फिर अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है, एंड प्रोसेस को अमोनोटैलिज्म बोला जाता है। जो अमोनोटैलिज्म होता है, फिर अमोनोटैलिक होते हैं, इनकी अकरेंस क्या होगी, ठीक है, किन किन के अंदर ये प्रेजेंट होगा, मींस अकरेंस की अगर हम बात करें, ये एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइक हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अमोनिया जो होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होगा तो जल्दी जल्दी से वो एक्सपेल कर दिया जाएगा। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक प्रोटोजोन्स, अमीबा एंड पैरामीसियम, स्पॉन्स होगी जिसकी स्काइफा, सिलेंट्रेट्स हो गए हाइड्रा, क्रस्टेशियंस हो गए लाइक प्रॉन, इकाइनोडर्म्स हो गए लाइक स्टारफिश, सी अर्चिन, बोनीफिशेस हो गए, मोस्ट ऑफ जो टेलियोस्ट हैं अमोनोटैलिक होते हैं। बट देयर वेस्ट ऑल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ अदर वेस्ट, स्पेशली ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड भी ये कंटेन करते हैं। टैडपोल लार्वा एंड सम अडल्ट्स एक्वेटिक एम्फीबियंस लाइक सेलेमेंडर, इन सब के अंदर क्या होता है, अमोनोटैलिक या फिर अमोनिया एज मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है इसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, हमने बात की थी हाईली टॉक्सिक है ये, ठीक है, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड होता है अमोनिया। नॉर्मल ब्लड अमोनियम कंसेंट्रेशन जो होती है ह्यूमन के अंदर लेस देन 50 माइक्रोमोल पर लीटर होती है, ठीक है, सिर्फ 50 माइक्रोमोल पर लीटर होती है नॉर्मल ब्लड अमोनियम जो कंसेंट्रेशन होती है। इसके अलावा 100 माइक्रोमोल पर लीटर कैन कोज अनकॉन्सियसनेस, ठीक है, अगर ये अमाउंट 50 से 100 भी हो जाती है तो ये अनकॉन्सियसनेस कोज कर सकती है। एंड ये 100 से अगर 200 हो जाए उस टाइम पे ये कोमा एंड कन्वल्सन्स कोज कर सकती है, ठीक है, कोमा के अंदर भी ये कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको लेके जा सकती है। तो ये क्या है, एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड होता है, फॉर्म्ड बाय द डीअमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स यूजली इन द लीवर सेल। डीअमाइनेशन जो होती है अमीनो एसिड्स की, उससे ही फॉर्म होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो अमीनो एसिड से क्या होते हैं, उनकी डीअमाइनेशन होती है, एक्सेस अमीनो एसिड्स की, वहां से ये अमोनिया फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर लॉस इन अमोनोटैलिज्म, यानी जो ऑर्गेनिजम्स अमोनो, जिनके अंदर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया होता है, उनके अंदर वाटर लॉस कैसे होता है। तो हमने बात की थी कि अमोनिया जो है हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व एंड एक्सपेल इट आउट ऑफ द बॉडी, हाईली
सोल्यूबल होता है, तो वाटर जो है इस अमोनिया के साथ डिजोल्व होगा और इसको वाटर के अलोंग विद इसको अमोनिया को एक्सपेल कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वाटर लॉस होता है अमोनोटेलिज्म के अंदर। अगर हम बात करें कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया जो होता है इसके अंदर 300, इसको 300 to 500 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेल करने के लिए, सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया को। अब हमने देखा था ये जो अमोनिया है ये यूरिया भी फॉर्म करता है, ये यूरिक एसिड भी फॉर्म करता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूरिया भी फॉर्म करता है, ये यूरिक एसिड भी फॉर्म करता है। या तो इसको, तो जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिनके पास कम वाटर अवेलेबल होता है ये वो क्या करेंगे, इस अमोनिया को, हाईली टॉक्सिक को, लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स दैट इज यूरिया एंड यूरिक एसिड के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। तो और इसके अलावा 1 ग्राम ऑफ यूरिया की अगर हम बात करें कि ये यूरिया हो गया, तो 1 ग्राम ऑफ यूरिया जो होता है ये लेता है 50 ml ऑफ वाटर। 50 ml ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम ऑफ यूरिया को एक्सपेल करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा अमोनोटेलिज्म जो है मोस्टली ये होता है एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, जो एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स होंगे मोस्टली उनके अंदर ही प्रेजेंट होगा ये। तो हमें तो मोस्टली एक्वेटिक जो होंगे, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के अंदर ये प्रेजेंट होगा। एंड इनके अंदर भी ऐसा नहीं है कि अगर कंडीशन चेंज होती है तो इसके अंदर भी ये चेंज कर लेता है, यानी कि जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो वाटर के अंदर रहता है, एक्वेटिक है फर्स्टली वो, और वो फिर वो टेरेस्ट्रियल मोड के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे अमोनिया इसका नाइट्रोजन वेस्ट था, यहाँ पे आके इसका नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया और यूरिक एसिड हो गया, क्योंकि इसकी हैबिटेट जो है चेंज हो गई, अब इसके पास उतना वाटर अवेलेबल नहीं है। हमने डिस्कस किया था नेचर कैसी होगी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, ये डिपेंड करेगी कि वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी होती है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी चेंज हुई तो इसके अंदर नेचर जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की वो भी क्या हो गई, चेंज। अब अगर हम एग्जाम्पल लें अर्थवर्म का, ठीक है, अर्थवर्म के अंदर क्या कंडीशन होती है, ये मॉइस्ट सोइल के अंदर रहता है। ठीक है, मॉइस्ट सोइल के अंदर रहता है, तो मॉइस्ट सोइल के अंदर इसका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया होता है। ठीक है, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया होता है, लेकिन जैसे ही वाटर के अंदर इमर्ज हो जाता है, जब ये वाटर के अंदर चला जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे इसका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अमोनिया हो जाएगा। तो जैसे ही इसकी हैबिटेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर चेंज हुआ, इसका एक्सक्रीटरी या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी चेंज हो गया। सरफेस ऑफ एक्सक्रीशन क्या होगा नेक्स्ट, कि किस सरफेस के ऊपर एक्सक्रीशन होगा, अप टू सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट्स तक जितने भी यहाँ पे फाइलम आते हैं, अमोनिया इज लॉस्ट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। अमोनिया जो है जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू लॉस किया जाता है इन टू सराउंडिंग वाटर के अंदर, वाइल बोनी फिशेस एंड टेल्ड एम्फीबियंस अमोनिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ये क्या किया जाएगा, अमोनिया जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट किया जाएगा। तो ये होता है इसका सरफेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये हो गया अमोनोटेलिज्म। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर सेकंड मोड होगा यहाँ पे यूरियोटेलिज्म, यानी कि अमोनिया जो है अब एक लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनके अंदर ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है वाटर की। तो यूरियोटेलिज्म जो है इनके अंदर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, यूरिया होता है। अकरेंस क्या होगी, किन किन के अंदर ये अकर होगा, तो अकरेंस की अगर हम बात करें, फाउंड इन दोज लैंड एनिमल्स विच कैन इनटेक वाटर, जो कि वाटर को इनटेक कर सकते हैं, सो कैन अफोर्ड द लॉस ऑफ सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्योंकि इसको पानी भी चाहिए। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए इसको पानी की जरूरत होगी। तो ये इन और उन लैंड एनिमल्स के अंदर होगा जिनके अंदर सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं इन यूरिन, एंड दोज एनिमल्स विच कैन रिटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ यूरिया फॉर हाइपरटोनिसिटी।
एंड दोज एनिमल्स विच कैन रिटेन कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ यूरिया फॉर हाइपरटोनिसिटी, या फिर ये रिटेन कर सकते हैं यूरिया को हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म करने के लिए इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूड्स के अंदर. तो ये होता है यूरियोटेरिज्म के अंदर. कॉमन मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इन मैन, मैन के अंदर भी एक कॉमन मेथड होता है. एंड ऑल अदर मैमल्स इवन एक्वेटिक मैमल्स लाइक व्हेल्स सील्स डेजर्ट्स मेंबर्स लाइक कैमल्स कंगारू रैट्स टेरिस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस लाइक टोड्स फ्रॉग्स कार्टिलेजियस स्पीसीज सच एज शार्क्स रेज एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स लाइक एलिगेटर टर्टल्स, इन सब के अंदर क्या होता है यूरियोटेलिज्म जो मोड है ये प्रेजेंट होता है. इनके अंदर यूरियोटेलिज्म मोड जो है प्रेजेंट होता है और इनके अंदर क्या होगा हाइपरटोनिक यूरिन जो है फॉर्म होता है. इन मैन यूरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 80-90% ऑफ द टोटल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. और यूरिया जो है मैन के अंदर 80-90% टोटल नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अकाउंट करता है. नेक्स्ट है इसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी. अब हमने देखा था ये लेस टॉक्सिक होगा देन अमोनिया से. अमोनिया सबसे फर्स्ट हाईली टॉक्सिक है. मॉडरेटली टॉक्सिक होता है सो कैन बी हैड इनसाइड द बॉडी ऑर्गन्स फॉर द सम टाइम. कुछ टाइम के लिए बॉडी जो है इसको होल्ड करके रख सकती है. फॉर्म्ड इन द लीवर बाय डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया की जब डिटॉक्सिफिकेशन होगी लीवर के अंदर तब ये फॉर्म होता है. वाटर लॉस इन यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन. वाटर लॉस के साथ कैसे यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन एसोसिएटेड होता है. तो इसके अंदर जनरली एसोसिएटेड विद टेरिस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ. ठीक है, ये जनरली ये मोड जो है यूरियोटेलिक मोड जो है ये टेरिस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के साथ एसोसिएटेड होता है विद एंड विद टेंडेंसी टू कंजर्व वाटर फ्रॉम द वेस्ट. और टेरिस्ट्रियल मोड के अंदर क्या होगा वाटर जो है इन वेस्ट से क्या कर लिया जाएगा कंजर्व कर लिया जाएगा रिटेन कर लिया जाएगा वाटर. तो ये हो गई इसकी टॉक्सिसिटी. और हमने देखा था जैसे कि 1 ग्राम ऑफ यूरिया जो है लेता है ओनली 50 ml ऑफ वाटर टू एक्सपेल इट. ठीक है, 50 ml ऑफ वाटर जो है 1 ग्राम ऑफ यूरिया को एक्सपेल आउट कर सकता है. इसके बाद सरफेस ऑफ एक्सक्रीशन क्या होगा इसका. सरफेस ऑफ एक्सक्रीशन इसका होगा लिक्विड की फॉर्म में यूरिन की फॉर्म में ये लॉस्ट कर दिया जाता है. एंड नंबर थर्ड इज द यूरिकोटेलिज्म. यूरिकोटेलिज्म के अंदर मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है गुआनो कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड होते हैं. ठीक है, गुआनो कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड. एंड अक्रेंस क्या होगी इसकी इन बर्ड्स लैंड रेप्टाइल्स जैसे कि लिजर्ड्स स्नेक्स इंसेक्ट्स सेंटीपीड्स मिलीपीड्स लैंड स्नेल्स एंड सम लैंड क्रस्टेशियंस के अंदर ये यूरिकोटेलिज्म जो है होता है. इसके बाद अगर हम बात करें यूरिकोटेलिज्म एंड टेरिस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ कि कैसे यूरिकोटेलिज्म टेरिस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ से एसोसिएटेड होता है. तो इसके अंदर ये लीस्ट सोल्यूबल होता है. यूरिक एसिड इज लीस्ट सोल्यूबल नाइट्रोजनस वेस्ट एंड 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड नीड्स ओनली 10 ml ऑफ वाटर टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. अब तक हमने देखा 1 ग्राम ऑफ अमोनिया के लिए रिक्वायर्ड था 300-500 ml ऑफ वाटर. नेक्स्ट हमने देखा था 1 ग्राम ऑफ यूरिया के लिए रिक्वायर्ड था 50 ml ऑफ वाटर. नेक्स्ट हमने देखा यूरिक एसिड के लिए. यूरिक एसिड के लिए ओनली 10 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है. तो यहां से देख सकते हैं कि ये कितना हाईली टॉक्सिक है. ये लेस है ये और भी लीस्ट टॉक्सिक है. तो ये वाटर की अमाउंट जो है अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर रिक्वायर्ड होती है. यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट सो डजंट हार्म इफ इट रिटेन्स इन द बॉडी टिश्यूज ओवर फॉर लॉन्ग पीरियड. अगर ये ज्यादा टाइम तक भी बॉडी के अंदर रहता है तो ये ज्यादा हार्म कोई कॉज नहीं करता है. तो ये एक ग्रेटर एडवांटेज कोज करता है. सो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज अ ग्रेटर एडवांटेजेस टू लैंड एनिमल्स विच हैज
विच हैव लिमिटेड एक्सेस ऑफ वाटर, जिन एनिमल्स के अंदर, जिन लैंड एनिमल्स के अंदर लिमिटेड एक्सेस होती है वाटर की, उनके अंदर क्या होता है, ये एक तरह से एक एडवांटेजेस होती है, ये यूरिक एसिड एज अ मेन नाइट्रोजनस वेस्ट की एक एडवांटेजेस होती है, क्योंकि इनके अंदर वाटर ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच के अंदर देखा गया है, कॉकरोच जो है मॉइस्ट एरिया के अंदर रहता है, तो ये जो मॉइस्ट एरिया के अंदर रहता है तो उस टाइम पे ये सेमी पेस्ट जो है यूरिक एसिड का, सेमी पेस्ट ऑफ यूरिक एसिड का एक्सक्रीट करता है, एक्सपेल करता है। लेकिन जब ये ड्राई, एक तरह से बिल्कुल ड्राई कंडीशन के अंदर रहता है, बिल्कुल ड्राई कंडीशन या फिर ड्राई एरिया के अंदर जब ये रहेगा, तो उस टाइम पे सॉलिड एंड ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड, ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड जो है ये एक्सक्रीट करेगा। तो जैसे ही इसका मोड ऑफ लाइफ चेंज हुआ, इसका हैबिटेट चेंज हुआ, इसके अंदर नेचर जो थी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, वो भी क्या हो गई यहाँ पे, चेंज हो गई। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, यूरिक एसिड आर एक्सपेल्ड आउट, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन इन डाइट, यानी कि यूरिक एसिड जो एक्सपेल्ड होता है, इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स कितने हैं डाइट के अंदर। ठीक है, डाइट के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन्स कितने प्रेजेंट है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नॉर्मली जो है ये 1 ग्राम पर डे होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें, यूरिक एसिड डजन एक्सीडेड इन द लेवल ऑफ अबाउट 1 ग्राम पर डे, 1 ग्राम पर डे, बट हाई न्यूक्लियो प्रोटीन डाइट में रेज यूरिक एसिड लेवल ऑफ यूरिन टू अबाउट 2 ग्राम पर डे। अगर ये 1 ग्राम से एक्सीड नहीं होता है, लेकिन अगर और भी ज्यादा हाईली न्यूक्लियो प्रोटीन्स की डाइट है तो उस टाइम पे 2 ग्राम पर डे जो है यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि एक्सीड कर जाता है, वहां पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है, यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होगी, वैसे हमने देख भी लिया है लास्ट वीडियो के अंदर कि यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये होती है कुछ सर्टेन अमीनो एसिड से, जैसे कि हो गया यहाँ पे ग्वानिन हो गया या फिर एडेनिन हो गया, तो जैसे कि प्यूरिन बेस्ड हो गए ये, तो लाइक एडेनिन हो गया या फिर यहाँ पे ग्वानिन हो गया, ये क्या करेंगे, जेंथिन के अंदर कन्वर्ट हो गए। जेंथिन जो है यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, ये हम लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्यूरिन बेस्ड होते हैं ये, क्योंकि ग्वानो एक तरह से ग्वानो कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, और ये मिलके बनते हैं अमोनिया से। अमोनिया किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड से, और साथ में ये प्यूरिन से बनते, लाइक एडेनिन एंड ग्वानिन हो गया। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, कि कौन कौन से एक्सक्रीशन के जो मोड्स होंगे वो हमने डिस्कस कर लिए है, या फिर पैटर्न क्या होंगे एक्सक्रीशन के, मोनोटेलिज्म होगा, यूरियोटेलिज्म होगा और यूरिकोटेलिज्म होगा। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन, ठीक है, मैन के अंदर किडनीज होंगी, अलग अलग नेफ्रॉन्स होंगे, वो स्ट्रक्चर्स हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।